सुटैक फैमिली, तो सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने इस चैनल पे ना कंपैरिजन वीडियोस करता नहीं हूँ, लेकिन डिमांड आई थी लोगों ने मुझे, लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत किए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, यार मुझे इंटेल की ओर जाना चाहिए, मुझे AMD की ओर जाना चाहिए, इन दोनों में प्रोसेसर में से कौन सा बेस्ट होगा हमारे लिए, इसी टॉपिक की आज बात करेंगे। लेकिन यार अगर आपको वन वर्ड आंसर चाहिए ना, तो मैं आपको रिकमेंड कर देना चाहता हूँ, लाइक अगर आपका बजट कम है तो AMD Ryzen आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है, बिकॉज उसका लाइक प्राइस रेंज कम होता है एज कंपैरिजन किया जाए इंटेल के साथ। दूसरी बात ये देखने को मिलती है मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट होता है, और भी स्पेसिफिकेशन बहुत उसके प्लस पर आ जाते हैं जो कि मैं आपको डीपली बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपको डीपली नहीं सुनना, आप राइजन की प्रोसेसर की ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं डीपली, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। अभी बात करते हैं हिस्ट्री की, नॉलेज की बातें करने लगा हूं, ठीक है, वैसे मैं करता नहीं हूं, आज करते हैं, ठीक है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरी कंप्यूटर लैब में मेरे को आपका सीन नहीं पता कि कैसे होता था कैसे नहीं होता था, लेकिन जो हमारे स्कूल में PC होते थे ना, उन सभी में लाइक इंटेल का प्रोसेसर ही होता था। जो मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर था ना, उसमें मेरे पास भी इंटेल का ही प्रोसेसर था। 2017 के पहले एक ट्रस्ट बना हुआ था, लाइक एक परफॉर्मेंस भी आपको बहुत सही प्रोवाइड करता था इंटेल प्रोसेसर। लेकिन यार 2017 के पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था कि AMD की ओर से प्रोसेसर नहीं देखने को मिलते थे, AMD की ओर से प्रोसेसर आते थे, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी ना, वो एवरेज देखने को मिलती थी, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आपको वो परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करते थे। ये चीज़ सच है, मानो चाहे ना मानो, लेकिन 2017 में ना AMD की ओर से 5 प्रोसेसर लॉन्च किए गए, जो कि सच में पैसा वसूल से उसी दिन, लाइक ना जब वो लॉन्च हो गए, लोगों ने पसंद कर लिए, उसके बाद जो AMD Ryzen के दिन थे ना, वो मतलब चेंज हो गए, ठीक है। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं Ryzen 3 की, जो एंट्री लेवल में देखने को मिलता था Ryzen 5, जो मिड रेंज में देखने को मिलता था Ryzen 7, जो हाई लेवल में देखने को मिलता था Ryzen 9, जो अल्ट्रा हाई लेवल देखने को मिलता था, मतलब वर्क स्टेशन के लिए अगर आपने वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, उस चीज के लिए Ryzen 9 इन्होंने बनाया था। उसके बाद दी बेस्ट बनाया था इन्होंने Threadripper, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन था Ryzen की ओर से प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर में मतलब पैसा वसूल जो AMD ने Ryzen ने मतलब ये प्रोसेसर निकाल दिए थे, ठीक है, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किए, एंड इनका प्राइस भी जो था ना, वो कम था एज़ कंपैरिजन किया जाए इंटेल की प्रोसेसर की ओर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इंटेल वहाँ पर काम नहीं कर रहा था, कि 2017 में इंटेल की ओर से कोई प्रोसेसर नहीं आया जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ऐसा कोई भी इशू नहीं था यार, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो एक नाम बन चुका था, एक ब्रांड बन चुका था, लोग जानते थे, लेकिन उन्होंने प्राइस कम नहीं किया, प्राइस भी अपना यहाँ पर रखा एंड परफॉर्मेंस भी अपनी यहाँ पर रखी। लेकिन AMD ने क्या किया, परफॉर्मेंस यहाँ पर रखी, प्राइस यहाँ पर रखा, सो दैट्स वाई वो कम प्राइस में अच्छे फीचर प्रोवाइड कर रहे थे, अच्छे मतलब परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे थे। लोगों ने इंटेल की ओर ना जाने की बजाय लाइक AMD को चूज़ करना ज़्यादा पसंद किया, जो कि चीज़ सच भी है, बिकॉज यार कोई बंदा अगर आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा कम प्राइस रेंज में, आप भी वहीं पर जाओगे, मैं भी वहीं पर जाऊँगा, ये हिस्ट्री है। उसके बाद मतलब चांदी होगी AMD Ryzen की, ठीक है, वहाँ से लोग जाने लग गए थे, एंड इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बाद बहुत ज़्यादा सही होगी। आज ऐसा टाइम आ गया कि Ryzen की ओर से प्रोसेसर आपको दी बेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी हिस्ट्री, अभी बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। तो यार हिस्ट्री मैंने आपको बता दी दोनों प्रोसेसर की, अभी बात करते हैं लाइक क्लॉक स्पीड की। तो सभी लोगों को पता है जो इंटेल प्रोसेसर होते हैं ना, इनकी क्लॉक स्पीड बेस्ट होती है एज कंपैरिजन किया जाए AMD प्रोसेसर के साथ। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ कह देना चाहता हूँ, क्लॉक स्पीड सब कुछ नहीं होता, ठीक है, एंड जो इंटेल है ना, ये बहुत शो ऑफ करता है कि हमारी क्लॉक स्पीड ऐसे है, हमारी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन क्लॉक स्पीड सब कुछ नहीं होता, वो मैं आपको आगे डीपली बता देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ऐसे मत सोच लेना कि इंटेल प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड ज्यादा है तो मुझे वहीं पर जाना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेकिन आगे अभी बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की, तो अभी बात करते हैं अनलॉकिंग की या ओवरक्लॉकिंग की। ओवरक्लॉकिंग या अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको एज अ एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, आपने एक नई गाड़ी ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल है, ये सच नहीं बात है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। आपने नई गाड़ी ले ली एंड गाड़ी की स्पीड है 140, आपको भगानी है वो 160 पर, ठीक है, आप मैकेनिक के पास गए, आपने मैकेनिक को कहा कि इसकी स्पीड है 140 लेकिन मुझे चाहिए 160, तू कुछ भी कर इस गाड़ी को तेज़ बना दे, 160 पर ये गाड़ी जानी चाहिए। मैकेनिक ने देखा, चैगुड़ किया, उसको कुछ भी किया, एंड वो गाड़ी जो है फिर 160 पर जाने लग पड़ी, मतलब उसका मैकेनिक ने चेंज कर दिया इंजन वगैरह, जो भी कुछ उसने डाला या कुछ भी उसने किया, तो उसको वो मतलब गाड़ी तेज़ भागने लग पड़ी। वही चीज़ होती है ओवरक्लॉकिंग, ठीक है, आप अपने प्रोसेसर के साथ छेड़छाड़ करते हो, ओवरक्लॉकिंग करते हो,
तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। लेकिन इसके बेनिफिट भी होते हैं, आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसके नुकसान भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 160 पर ही गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड मरने के चांसेस भी ज़्यादा है। ऐसे ही आपकी लाइक CPU में हो जाता है तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके CPU ख़राब होने के। लेकिन जिन्होंने ओवरक्लॉकिंग करनी होती है वो करते हैं बिकॉज उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, ये सच बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी आती है आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं CPU ख़राब होने के, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अभी आगे बात करते हैं, तो अभी बात करते हैं कोर एंड थ्रेड की। तो यार मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, लाइक जब मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 4 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, आपको 8 थ्रेड देखने को मिलते हैं, 4 कोर मिल रहे हैं, 4 थ्रेड मिल रहे हैं, तो ऐसे मैं आपको बताता रहता हूँ। ये चीज़ क्या होती है, आज इसी टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो 4 कोर मतलब एंड 4 थ्रेड मतलब 4 बंदे 4 काम कर पा रहे हैं, ठीक है। 4 कोर एंड 8 थ्रेड मतलब 4 बंदे 8 काम कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको उसके बाद मिलते हैं 8 कोर 16 थ्रेड, ठीक है, मतलब 8 बंदे 16 काम कर पा रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी मल्टीटास्किंग अच्छी होती है, बस इतना चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस करता नहीं हूँ, मुझे शायद ऐसे लगता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी चीज़ को आप ध्यान रख लेना। जितने ज़्यादा थ्रेड होते हैं ना तो उतनी ज़्यादा अच्छी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बस इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। अभी कंपैरिजन करते हैं Ryzen एंड Intel के थ्रेड एंड कोर का। अगर मैं बात करूँ Ryzen 3 की, Ryzen 3 में आपको 4 कोर प्लस 8 थ्रेड देखने को मिलते हैं। अगर मैं Intel i3 की बात करूं इसमें आपको 4 कोर प्लस 4 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो Ryzen की ओर से आपको थ्रेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Ryzen 5 में आपको 6 कोर मिल जाते हैं प्लस 12 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। एंड Intel के प्रोसेसर में मतलब i5 में आपको 6 कोर एंड 6 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, जितने थ्रेड ज़्यादा होते हैं तो लाइक उसमें उतनी ही मल्टीटास्किंग अच्छी होती है। तो ये चीज़ें मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट होता है Ryzen का प्रोसेसर, मैंने आपको पहले भी बता दिया, बिकॉज इसमें आपको थ्रेड ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं एज कंपैरिजन किया जाए Intel के साथ, ठीक है। तो अभी आगे बात कर लेते हैं सॉकेट की। तो यार सॉकेट की बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आई होप कि आपको मेरी वीडियो सही लग रही है, समझ आ रही है, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस करता नहीं हूँ लेकिन मेरे को डिमांड आई थी, सो दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ लग रहा है, ठीक है। अभी सॉकेट की बात कर लेते हैं कि सॉकेट होता क्या है। तो सॉकेट वो चीज़ होती है जहाँ पर आप अपना CPU को लगाते हो, ठीक है। मैं फ़ोटो में आपको शो कर रहा हूँगा अभी, तो आपको अभी पता चल रहा होगा। तो सॉकेट का मतलब वो होता है जहाँ पर आप अपना CPU लगाते हो। एंड मैं आपको ये चीज़ भी कह देना चाहता हूँ, अगर आपके पास Intel का सॉकेट है ना मतलब, तो आप AMD का प्रोसेसर उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। एंड इसमें भी जनरेशन देखने को मिल जाते हैं, मतलब सॉकेट में भी आपको जनरेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं। एंड ये एक मेन रीज़न है लोग AMD का प्रोसेसर लेना इसीलिए पसंद करते हैं, लाइक अगर आपका बजट कम है, आपने Ryzen 3 का प्रोसेसर ले लिया, 1 साल बाद या 2 साल बाद अपने Ryzen का प्रोसेसर अपग्रेड करना है, आप इसी सॉकेट में लाइक Ryzen के सॉकेट में लगा सकते हो। Ryzen 5 भी लगा सकते हो, Ryzen 7 भी लगा सकते हो, लेकिन Intel के प्रोसेसर में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। अगर आपको लाइक i3 है, आपके पास i3 ही 9th जनरेशन है या 10th जनरेशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा i9 जो है 11th जनरेशन के साथ या कुछ भी ऐसा वो उसके साथ अटैच नहीं कर सकते। एंड यार ये एक मेन रीज़न हो जाता है लोगों का AMD प्रोसेसर लेने का, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है आज की टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, 100% श्योरली नहीं कह रहा, अगर आपका इतना बजट नहीं है आप Ryzen 3 ले लेते हो, 2 साल बाद अगर आपने प्रोसेसर को अपग्रेड करना है, Ryzen 7 की ओर जाना है, आप जा सकते हो। आपको सॉकेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मदरबोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप Intel का लाइक सॉकेट लेते हो एंड अगर आपके पास i3 है, आपको अपग्रेड करने का मिला, अगर आपने अपग्रेड करना हुआ, आपके पास थोड़े से पैसे आ गए, आपने सोचा कि मैं अपग्रेड कर लेता हूं, तो वो चीज़ आप उसमें नहीं कर सकते। तो Intel का ये माइनस पॉइंट देखने को मिल जाता है, Ryzen का ये प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो यार ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लाइक अगर आप धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपग्रेड कर रहे हो अपने PC का, तो Ryzen प्रोसेसर सच में बेस्ट डील आपको प्रोवाइड कर देता है। अभी बात करते हैं प्राइस की।
दोनों में से बेस्ट कौन सा, मैंने आपको पहले भी बता दिया लाइक अगर इंटेल के प्रोसेसर का प्राइस 50,000 है ना, तो राइजन के प्रोसेसर का प्राइस जो आपको 40,000 देखने को मिलता है या 45,000 देखने को मिलता है, इंटेल के प्रोसेसर से वो कम ही आपको सस्ते में ही देखने को मिल जाता है राइजन का प्रोसेसर, ये चीज़ सच है ठीक है। तो आप देख लेना दोनों में से कौन सा आपको सही लगता है, लेकिन कंक्लूजन की बात करूँ ना, मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट है लेकिन गेमिंग के लिए लोग ज़्यादातर प्रेफर कर लेते हैं, कई बंदे प्रेफर करते हैं इंटेल का प्रोसेसर, लेकिन मल्टीटास्किंग के लिए पैसा वसूल जो है वो आपको AMD राइजन प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। एंड आज के टाइम पे राइजन का प्रोसेसर जो है वो बिकता है, बहुत लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड सच बात है कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट देखने को मिल जाती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो यार आई होप कि जो मैंने आपको समझाना था बताना था वो मैंने बता दिया, लेकिन ये वीडियो मेरी पहले थी, ऐसे मैंने कभी भी किसी को समझाया नहीं है बताया नहीं है, तो कुछ गलतियाँ होगी होंगी तो उसको इग्नोर कर देना, हो जाता है फर्स्ट वीडियो में ठीक है। तो मैं लाइक ऐसे कंपैरिजन वीडियोस करता नहीं हूँ, मैं टॉप 5 टॉप 3 आपको लैपटॉप ही सजेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे, लोगों ने मैसेज किया था, सो दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो की ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिकमेंड कर देता हूँ, कम प्राइस में अगर आपको प्रोसेसर चाहिए, अगर आपको सॉकेट लाइक धीरे धीरे कर आप पैसे जोड़ जोड़ कर अगर आप अपग्रेड कर रहे अपने पीसी को, तो राइजन की ओर ही जाना है, एंड मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट होता है ठीक है। अगर आपका इंटेल पर यकीन बना हुआ है आप जा सकते हो, वो भी प्रोसेसर दी बेस्ट देखने को मिल जाता है, कोई कमी नहीं है ठीक है। लेकिन मैंने आपको वो चीज़ बता दी, रिकमेंड भी कर दी ठीक है। तो अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, थैंक यू।